नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। ये वीडियो आने वाले एनबीएस हो या केवीएस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्ट ऑफ फाइल इज़ ए वीकली डाइजेस्ट ऑफ। फैक्ट ऑफ फाइल किसका वीकली डाइजेस्ट है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओलिवेन का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीनेटल कैटलॉगिंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ। प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसका कंट्रीब्यूशन है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। थोड़ा प्रीनेटल कैटलॉगिंग के बारे में बता देता हूँ। प्रीनेटल का मतलब बिफोर बर्थ क्या है, बिफोर बर्थ। एंड प्रीनेटल कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है, जो बुक पब्लिश होने से पहले उसका कैटलॉग कार्ड बन जाता है, उसको प्रीनेटल कैटलॉगिंग बोलते हैं। प्रीनेटल कैटलॉगिंग जनरली रिफर्स टू द बुक्स कैटलॉग प्रेयर टू द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर अल्मनाक्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अल्मनाक्स क्या है? सो बी इज द राइट आंसर, इट्स ए रेडी रेफरेंस सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय बुलेटिन बोर्ड सर्विस। बुलेटिन बोर्ड सर्विस क्या है? इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। येस, इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्शन सी, इट इज़ ए क्लोजली रिलेटेड टू ईमेल सिस्टम। येस, ये ईमेल सिस्टम की तरह है रिलेटेड। हम उसमें ईमेल सिस्टम की तरह बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दिस, इट हैज़ ए सिंगल लार्ज मेल बॉक्स। येस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन हमको कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ज्योग्राफिकल सोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्रोनिम पोस्टकोर वॉज कॉइन बाय। पोस्टकोर किसका दिया हुआ है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लुटर गुलिक। और पोस्टकोर का फुल फॉर्म है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी किस में इंक्लूड नहीं है? सो सी इज़ द राइट आंसर, सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। बाकी फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, इवेलुएटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन लिटरेसी में इन्वॉल्व है या इंक्लूड है। और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या है वो। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज ए सेट ऑफ एबिलिटीज रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information. Question number 8, the symbol used to indicate time facet in colon classification is। hum cc mein time facet ko denote karne ke liye kaun sa symbol use karte hai? So c is the right answer, single inverted comma। और हम सबको पता है कि सीसी में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होता है। शॉर्टली पीएमईएसटी, पी फॉर पर्सनैलिटी, एम फॉर मैटर, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर स्पेस एंड टी फॉर टाइम। पर्सनली को डिनोट करते हैं कॉमा से, मैटर को डिनोट करते हैं सेमीकॉलन से, एनर्जी को डिनोट करते हैं कॉलन से, स्पेस को डॉट से और टाइम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। थोड़ा सा फंडामेंटल कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ। 1952 को रंगनाथन ने सीसी का 4th एडिशन पब्लिश किया था और इसमें नया डेवलपमेंट इंक्लूड किया था पीएमईएसटी का। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नीचे दिए गए में से प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है? तो ए इज़ द राइट आंसर, हैंड रिटन आर्टिकल्स आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट होता है उसको प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलता है। और आ सकता है कि जैसे आर्टिफैक्ट हो गया, आर्टिफैक्ट डॉक्यूमेंट, डायरी, मैनुस्क्रिप्ट, ऑटोबायोग्राफी, रिकॉर्डिंग और एनी अदर सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वाज क्रिएटेड एट द टाइम अंडर स्टडी। ये सब क्या होगा? प्राइमरी सोर्सेस में आएगा। और सेकेंडरी में क्या क्या आएगा? बिब्लियोग्राफी हो गया, जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, एसेज और रिव्यूज हो गया, या मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वो सब क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स में होगा। और टर्शियरी में क्या होगा? डिक्शनरी हो गया, एनसाइक्लोपीडिया, अल्मनाक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, हैंडबुक्स, वो सब क्या होगा? टर्शियरी में आएगा। सो आप लोग
याद रखना ठीक से। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन मार्क 21 कंटेंस द डीडीसी नंबर। जी नीचे दिए गए में से मार्क 21 में का डीडीसी नंबर क्या है? 082। क्वेश्चन नंबर 11, द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसका दिया गया है या किसका कंट्रीब्यूशन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैकलविन का। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरीज। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरीज किसका नहीं दिया गया है? सो ए इज द राइट आंसर, सेरस ने नहीं दिया था। बाकी चार ने दिया था, जोरिस, प्रिंसिपल, मैकलविन, ड्यूइस और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। बी, जोरिस प्रिंसिपल कब आया था? 1930 को। और वो क्या, उसका स्टेटमेंट क्या था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। और ड्यूइस प्रिंसिपल किया था, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। और मैकलविन का प्रिंसिपल 1925 को, और उसका स्टेटमेंट किया था कि बुक्स इन देमसेल्स आर नथिंग। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन का प्रिंसिपल किया था कि उसका जो उसका फर्स्ट थ्री लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस था, वही मैंने फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। जैसे बुक्स आर फॉर यूज हो गया, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक इज रीडर, ये तीनों रंगनाथन का प्रिंसिपल था। सो क्वेश्चन 12 का ए इज द राइट आंसर, सेयर्स नहीं हो, सेयर्स ने नहीं किया था प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक फॉर लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को इनिशिएटेड द निशा प्रोग्राम इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ। यूनेस्को ने इंडिया में किसके हेल्प से निशा प्रोग्राम इनिशिएटेड किया था? तो बी इज द राइट आंसर, पीटर लेजर। क्वेश्चन नंबर 14, द मिलियन बुक प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने इनिशिएटेड किया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, D.B. Krishna Rao, sorry, it's not last question. Question number 15. D.B. Krishna Rao got the first doctoral degree in library science under the title of D.B. Krishna Rao. First doctoral degree in library science में कौन सा title में उसको मिला था? Fashion analysis and depth classification of agricultures में। Question number 16. The name Professor G. Bhattacharya is associated with नीचे दिए गए ऑप्शनों में से प्रोफेसर जी मीन्स गणेश भट्टाचार्य किस में एसोसिएट था? पॉप्सी इज द राइट आंसर। पॉप्सी का फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। और गणेश भट्टाचार्य के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में, शॉर्टली DRTC में। क्वेश्चन नंबर 17, ए प्रोग्राम राइटिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस बाय। हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? सी इज द राइट आंसर, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच एरिया ऑफ द टोटल स्पेस वॉज रिकमेंडेड बाय रंगनाथन टू बी अलॉटेड फॉर ईच रीडर इन ए लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो इज द राइट आंसर, 25 स्क्वायर फीट होगा, 25 स्क्वायर फीट चाहिए। और रंगनाथन ने अलॉट किया था लाइब्रेरी में रीडर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ बुक इन प्रिंट। बुक इन प्रिंट का पब्लिशर कौन था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोकर कंपनी। लास्ट क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर शॉर्टली NIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और फिर मिलेंगे हम कल, आज 20 क्वेश्चन, कल 20, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।